नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है, चूंकि निकाय चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन रहा है और यही वजह है कि सभी बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करने आज पहुँचे थे। और भाजपा से अगर बात करें तो डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने आज नामांकन दाखिल किया और इसके साथ ही कांग्रेस से नवीन सिन्हा ने अपनी प्रत्याशिता दर्ज कराई है और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से जो प्रत्याशी हैं वो नवल किशोर नथानी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आज काफ़ी गहमा गहमी रही है और एडीएम फाइनेंस के कोर्ट में तीनों प्रत्याशियों ने बारी बारी से अपना नामांकन दाखिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ने कायस्थ कार्ड खेल दिया है और यही वजह है कि दोनों के बीच काफ़ी बड़ी टक्कर मानी जा रही है और कायस्थ समाज के लोग भी इसे लेकर संशय में हैं कि आखिर वो किसका साथ दें। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो कल काजल निषाद ने अपना नामांकन दाखिल किया था और वे भी काफ़ी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं और समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतार कर ओबीसी कार्ड खेल दिया है। तो यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है वो ग्लैमर के तड़के के साथ ही काफ़ी रोचक भी हो गया है। दूसरी खबर भी निकाय चुनाव से जुड़ी है, चूँकि तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो टिकट नहीं मिलने से काफ़ी नाराज हैं और बरसों से पार्टी की सेवा करते और अपना पूरा दमखम लगा देने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिला। यही वजह है कि पार्षद के जो वार्ड हैं उसके जो प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए उनमें नाम नहीं होने की वजह से कई बागी प्रत्याशियों ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया है। और ख़ासकर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के तो बरसों पुराने कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खुद या उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलने से खासे नाराज हैं और यही वजह है कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने निर्दल जो पर्चा है वो भरा है और उन्होंने इसके बावजूद भाजपा में अपनी कर्मठता जताई है और उन्होंने विश्वास भी जताया कि वे भाजपा के कार्यकर्ता थे और रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्हें मजबूरी में निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करना पड़ा। और यही इसी तरह निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी नाराज हैं, चूँकि कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर उन्हें टिकट नहीं मिला और यही वजह है कि उन्होंने या तो निषाद पार्टी के बैनर तले और या फिर निर्दल अपना पर्चा दाखिल किया है। तीसरी खबर अपराध से जुड़ी हुई है, चूँकि चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव की रहने वाली 35 वर्षीय कनक लता की रिवाल्वर से गोली लगने की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। और बताया जा रहा है कि कनक लता का अक्सर पति से विवाद होता रहा है और यही वजह है कि इस संदिग्ध मौत की पुलिस जांच कर रही है और इस मामले में अभी पुलिस को इंतजार है कि परिवार की ओर से कोई अगर शिकायत दर्ज कराता है तो इसमें आगे जाँच पड़ताल को और तेज करेगी। चूँकि बताया जा रहा है कि कनक लता का अक्सर पति से विवाद होता था और लोगों का कहना है कि इसी वजह से उन्होंने रिवाल्वर से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस मामले में अब पुलिस अभी तमाम आरोपों की भी जांच कर रही है और बता दें कि कनक लता की 11 साल पहले शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। चौथी खबर हादसे से जुड़ी है, चूंकि सहजनवा थाना क्षेत्र के नरौली गाँव के रहने वाले रमा शंकर गुप्ता और अनिरुद्ध नाम के युवक की राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई और बताया जा रहा है कि दोनों युवक नदी में नहाने के लिए गए थे और तेज बहाव की वजह से वे बह गए। हालांकि इसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार उनकी लाश को ढूंढने के प्रयास में जुटी रही और काफ़ी देर तक उनकी तलाश करने के बाद भी उनका कहीं कुछ पता नहीं चला और यही वजह है कि दोनों युवकों के नदी में डूबने की सूचना के बाद से नरौली गाँव में मातम पसर गया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अब उन युवकों की लाश को ढूंढने का प्रयास कर रही है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब अस्पताल और मॉल में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए हैं और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। और गोरखपुर में भी लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी लोगों से अपील कर रहा है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर मॉल और अस्पतालों में मास्क जरूर पहन कर जाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने भी तमाम जो सीएससी पीएचसी हैं और बड़े अस्पताल हैं उनको निर्देश जारी किए हैं और भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर भी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि लोग हर
संभव तरीके से कोविड-19 के जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन करें और शासन के निर्देशों को मानते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।